कर्मचारियों की बात करें तो पिछले कल भी इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया था कि पैरा वर्कर्स बनाने की तैयारी आउटसोर्स कर्मचारियों को चल रही है। इसी आधार पर इनके लिए स्थायी पॉलिसी बनेगी। पहले इन्हें पैरा वर्कर्स बनाया जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा, इसके बाद ये रेगुलर हो सकते हैं। इस पर कैबिनेट की सब कमेटी काम कर रही है, क्योंकि कई विभागों में जो पैरा वर्कर्स रखे गए थे, खासकर जल शक्ति में, उन्हें भी नियमितीकरण का लाभ मिल गया है। इसी फॉर्मूले पर, इसी पैटर्न पर अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सोचा जा रहा है। साथ में बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी है, क्योंकि फैसला ये लिया गया है कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती किया गया है, पहले उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए, उसके बाद ही आउटसोर्स पे आगे भर्तियां करनी है नहीं करनी है बाद में फैसला लिया जाए। लेकिन फिलहाल इस आंकड़े को इतना बड़ा ना कर दिया जाए कि इनको आगे इनके लिए पॉलिसी बनाने में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का सामना करना पड़े। पुलिस